कानपुर में देश प्रदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य मसाले की सरताज के नाम से विख्यात गोल्डी उद्योग समूह का अमृत महोत्सव कानपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। ब्रजेश पाठक ने गोल्डी मसालों की क्वालिटी और नीतियों की सराहना करते हुए प्रतिष्ठान की प्रगति की कामना की है। ब्रजेश पाठक ने गोल्डी मसाले की क्वालिटी और नीतियों की सराहना करते हुए प्रतिष्ठान की प्रगति की कामना की है। कंपनी के संस्थापक और निदेशक सोम गोइंका और सुरेंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम में पधारे सभी आगंतुकों का स्वागत किया है। इस अवसर पर कंपनी के निदेशक आकाश और सुदीप गोइंका ने बताया कि कंपनी जल्द ही अपनी नई इकाई से उत्पादन क्षमता को 4 गुना करने जा रही है, जिसे बाजारों में गोल्ड उत्पादनों की उपलब्धता को और विस्तार मिलेगा। वर्तमान मार्केट को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों की पैकिंग में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। गोल्डी समूह ने पूरे भारतवर्ष के वितरकों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा किया है और मुझे बुलाया है। मैं गोल्डी समूह का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उत्तर प्रदेश को उद्योग जगत को आगे बढ़ाने में आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको सफलता के लिए बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और पूरे भारतवर्ष से आए हुए अपने वितरकों का उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कोविड को लेकर कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। इस बार का जो वेरिएंट है वो कोई परेशान करने वाला नहीं। अभी तक जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि केवल सतर्क रहने की आवश्यकता है और कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पूरी व्यवस्थाएं हैं, सरकार पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम कर रही है। कोविड को लेकर बिल्कुल चिंता की, घबराने की जरूरत नहीं। अभी हमारे पास उत्तर प्रदेश राज्य में मात्र कल तक 5 एक्टिव केसेस थे। एक केस हमको गाजियाबाद में मिला है, वो दुबई से आया है, वो भी घर पर इलाज करा रहे हैं, अस्पताल नहीं गए हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य में पूरी तरह से हम लोग सुरक्षित हैं, कोरोना को लेकर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनके पास ना कोई नीति है ना कोई एजेंडा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और सभी लोग जानते हैं, अभी आपने चर्चा भी सुनी उद्योग जगत में, कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति आय तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कितने लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन कौन से प्राइज? गोल्डी समूह द्वारा पूर्व में चलाई गई गोल्डी भारत अमृत महोत्सव स्कीम के तहत लगभग 12,000 से अनेक अधिक इनाम आज यहां पर लकी ड्रॉ में निकाले जाएंगे। हमें बहुत ही सौभाग्य महसूस होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मठ उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी आज यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में सम्मिलित हैं। वह हमारी विशेष अतिथि माननीय नीतू सिंह जी गोल्डी मसाले ने इसके बाद गोल्डी और चांद से हाथ मिला एक स्कीम चालू करी है, जिसमें हमने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। गोल्डी ने नया प्लांट जो कि संपूर्ण भारत में अंडर वन रूफ सबसे बड़ी कैपेसिटी का आधुनिक टच फ्री प्लांट है, जिसकी बुनियाद प्रधानमंत्री जी द्वारा गोल्डी यूपी इन्वेस्टर समिट में रखी गई थी, उसका उत्पादन चालू हो गया है। हमारा उद्देश्य ये है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश भारत का दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और भारत जहाँ $5 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है, तो गोल्डी मसाले की दुनिया में, अचार की दुनिया में, नूडल की दुनिया में अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए भारत के और उत्तर प्रदेश के इस मिशन को पूरा करें। हम इसी तरह अपने सारे लोगों का धन्यवाद देते हैं, ग्राहकों का, विक्रेताओं का और वितरकों का, और गोल्डी की 33 साल की अथक मेहनत की यात्रा अब इस मोड़ पे आ गई है कि हम 20 देशों में भी अपने मसाले को निर्यात कर रहे हैं, जैसे तंजानिया, सेशेल्स, यूएसए, कनाडा, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, जापान और नाइजीरिया। हमें पूरा विश्वास है गोल्डी मसाले, अचार, चाय, सॉस, वन नूडल, इस तरह के सारे उत्पादन जो हमारे ग्राहकों ने बड़े ज़ोर शोर से किए, और इसी तरह हमारा टाइप इंडिया की टॉप मल्टीनेशनल रिटेल चेन से भी हो चुका है और हम पूरे भारत में अपने विस्तार को बढ़ा रहे हैं। किचन से संबंधित सारे प्रोडक्ट लगभग गोल्डी बना रहा है, इन फ्यूचर कोई नया प्रोडक्ट? गोल्डी कंप्लीट किचन सॉल्यूशन ब्रांड बनना चाहता है। इसी के साथ हमारा अगला प्रयास ऑर्गेनिक फूड में जाने का है और हमारी एक प्रतिज्ञा है, हम ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जो शरीर को हानिकारक हो। ठीक है, गोल्डी समूह ने
जनवरी में जो वाराणसी में अपना गोल्डी महासमागम किया था, उसमें अपने पूरे हिंदुस्तान भर के जो वितरक भाई है उनमें से चार प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार और झारखंड में एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम रखा था भारत का अमृत महोत्सव। इस स्कीम में सारे रिटेलर भाइयों के लिए करीब 12,000 से ज़्यादा इनाम थे, जिनमें करीब 11 गाड़ियां, 111 मोटरसाइकिलें और कई हजारों इनाम। तो उन्हीं का आज लकी ड्रॉ यहां कानपुर में संपन्न हो रहा है और इसमें पूरे चारों प्रदेश के करीब 400 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर भाई आए हुए हैं। गोल्डी समूह इस वर्ष एशिया की सबसे बड़ी स्पाइसेस यूनिट का भी संचालन कर चुका है और ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट यूपी में, उसमें ये प्रोजेक्ट था और कुछ प्रोजेक्ट्स में से ये एक है जो कि वास्तविकता से कॉमर्शियल प्रोडक्शन पे आ चुका है। इसी के साथ मुझे ये बताने में बहुत खुशी है कि आज 22 दिसंबर है और आने वाली 22 जनवरी को अपने अयोध्या में रामलला जी के भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और ये जो उद्घाटन हो रहा है इसमें अयोध्या में घुसने में जो एक प्रमुख गेट है ईस्ट साइड का, जिस जो मेन हाईवे के ऊपर बन रहा है, वो भी गोल्डी समूह भगवान राम के आशीर्वाद को और अपनी सरकार को धन्यवाद देता है कि उसमें हमको उस गेट में योगदान करने का मौका मिला है और गोल्डी अपने CSR से उस पूरे गेट का निर्माण करा रहा है। और इसी के साथ गोल्डी की आओ चांद से हाथ मिलाएं स्कीम इस समय ऑलरेडी चालू है और इस समय हम लोग करीब 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऐसा कोई भी आइटम गोल्डी समूह नहीं बनाता है जो कि स्वास्थ्य को हानिकारक हो। इसके साथ करीब 2000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और करीब 3.5 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स से गोल्डी समूह भारत की शीर्ष स्पाइसेस कंपनी और FMCG के रूप में प्रमुख हिंदुस्तान के FMCG ब्रांड्स में अपना स्थान बना चुका है। मैं अपने सभी कंज्यूमर्स को ये विश्वास दिलाता हूँ कि गोल्डी समूह प्रोडक्ट अगर कोई भी बनाएगा तो वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी अपने पूरे FSSAI के नॉर्म्स को लेते हुए और बिल्कुल फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट से बनाता है। इसीलिए आप गोल्डी समूह को बिना किसी संदेह के उनके प्रोडक्ट्स को अपनाएं और हम लोग साथ बढ़कर अपने हिंदुस्तान को, जो कि एक $5 trillion इकोनॉमी की अपने माननीय प्रधानमंत्री का सपना है, और यूपी को $1 trillion इकोनॉमी बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसको गोल्डी समूह उसको सपना पूरा करने में बिल्कुल हाथों से हाथ, कदम से कदम मिलाकर सुनिश्चित करेगा कि हम इस टारगेट को अचीव ही नहीं करें बल्कि और इसके आगे बढ़ें और हमारा उत्तर प्रदेश पूरे देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश उद्योग के रूप में बनकर निकले।